शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश के डिफॉल्टर किसानों को बड़ी राहत दी है। राजगढ़ में आयोजित किसान कल्याण महाकुंभ में कृषक ब्याज माफी योजना कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डिफॉल्टर किसानों के ब्याज की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की। वहीं इस दौरान जल मिशन योजना की शुरुआत भी हुई। चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने 11 लाख से ज्यादा किसानों को साधने का बड़ा दांव खेला है। सरकार ने राजगढ़ में आयोजित किसान कल्याण महाकुंभ में डिफॉल्टर किसानों के ब्याज की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की। ये किसान कांग्रेस सरकार के समय डिफॉल्टर घोषित हुए थे। इसी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम शिवराज कृषक ब्याज माफी योजना की शुरुआत की। मध्य प्रदेश के किसानों को 0% ब्याज दर पर यानी बिना ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराया जाएगा। ये कर्जा माफी की बात करते हैं, 20,000 करोड़ रुपया 3 साल में फसल बीमा योजना के हमने आपके खाते में डाले। इस दौरान फसल बीमा योजना के 2900 करोड़ रुपए भी किसानों के खाते में डाले गए। वहीं पन्ना में मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह ने 21,000 किसानों को ऋण ब्याज माफी प्रमाण पत्र बांटे। 2900 करोड़ ज्यादा की राशि माफ की जा रही है। तो खाद भी और हर तरह की जो सुविधाएं तो ब्याज की राशि जमा होने के बाद किसान बैंक से कर्ज और सहकारी समितियों से खाद बीज ले सकेंगे।